fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, नी हाँ वहाँ। अभी मैं खड़ा हूँ दीपालपुर बस स्टैंड में, और आज का दिन बहुत बोरिंग हो जाना था अगर मैं व्लॉग ना बनाना होता तो व्लॉग तो बनाना है। आज मेरे बात करनी थी कंसिस्टेंसी के बारे में, तो कंसिस्टेंसी बेसिकली मेंटेन करनी है मैंने। अभी मैं आया हूँ यहाँ रोटियाँ लेने के लिए अड्डे में, तो अभी जा रहे हैं हम एक पॉइंट पे शहर के लिए, तो वहाँ जाके तो वहाँ पे मेरे साथ जा रहे हैं अहमद भाई और दो बंदे और हैं, वो आपको मिलवाऊंगा। तो नेक्स्ट शॉट ऑन होगा वहीं पे मीर मानुल्ला, जब हम बॉयज इकट्ठे होंगे। तो भाई हम गामजन हैं इस वक्त अपनी मंजिल की तरफ, और हाँ हम माजूद खां हैं कि मैंने कहा था नेक्स्ट शॉट बनेगा जब भाई बॉयज बहुत उतावले हो रहे थे जाने के लिए, इसलिए हमने वहाँ पे शॉट नहीं बनाया। बड़ा कमाल का थोड़ा सा बना रहा था मैंने मीटिंग के लिए आगे बाइक पे, तो वो नहीं बन सका। पेट्रोल नहीं, एक प्रो टिप ले लो यार, जब भी आप पेट्रोल लगाओ 50 का 100 का या 150 इस तरह करके ना मत लगवाओ, 60 110 या 90 इतने का पेट्रोल लगवाओ। बाकी इसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और इस वक्त मैं एक बॉय से आपको मिलवाता हूँ जो मेरे साथ जा रहा है, बाकी दो बॉय में एक आपको पता है, एक का आपको पता है, और दूसरे से मैं मिलवाता हूँ आपको। तो ये बलोचिस्तान से आए हुए हैं, और ये भाई की वजह से हम जा रहे हैं सैर करने के लिए। और वक्त पे इंशाल्लाह मैं टाइम लैप्स बनाऊंगा रास्ते का, क्योंकि सनसेट हो चुका होगा और हम जाएंगे फिर। पढ़ लो मेरे पीछे, ये एक वाइद पार्क है दीपालपुरियों के पास जहाँ पे वो लोग आ सकते हैं छुट्टियाँ मनाने। बाकी आज मैंने सिनेमैटिक्स कोई नहीं दिखाने, कोई भी मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि पार्क के मैंने पहले भी दिखाए थे। अगर कोई मुझे कोई बेहतर शॉट मिल गया तो फिर हो सकता है मैं बनाऊँ कोई भी। ओ बस सामने हमारा एक बॉय जा रहा है जिसका मैंने बताया था, तो बाकी ये बॉय का आपको पता होगा लास्ट जब हम पीपली पहाड़ आए थे, ये बॉय है दमे तो कुसीतो वाला। आज पार्क में रश नहीं है, खाली है, तो अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा शांति होगी उतनी ज़्यादा मन को शांति मिलेगी। तो बाकी नुशाद भाई को बहुत हंसी आ रही है, और निषाद भाई आप मेरे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? ना सर मेहरबानी थोड़ी, कुछ बताओ। नहीं भाई मैं नहीं कुछ बताओ। आपको ये पार्क एंजॉय करने आए हैं यहाँ पास? अच्छा, आपको ये पार्क देखकर कैसा लग रहा है? फिर इधर आओ कहीं जाना इधर। हाँ आपको ये पार्क देखकर बस खाली फीलिंग आ रही है यार, बच्ची बॉन्डी करने के लिए कुछ भी नहीं है, सारे एम्प्टी हो चुके हैं। हाँ देखो यार ये बात है, मकसद जो नस्ब लैन है ना इधर आने का वो है पुंडी, तो वो भाई का पूरा नहीं हो रहा है। तो भाई आपके अब जज्बात आपके कैसे हैं? बस नॉर्मल है, फिरेंगे टूरेंगे पिक्स वगैरह बनाएंगे फिर अल्लाह हाफिज़। हाँ यहाँ पे पिक्स फोटोशूट अच्छा हो सकता है, लेकिन उस सूरत में जब आपके पास दो चीज़ें हों, एक आईफोन दूसरे नंबर पर DSLR, और अभी मेरा मोबाइल बहुत हिल रहा है, पता नहीं क्यों हिल रहा है, इतना हिलना नहीं चाहिए वैसे। तो भाई मैं और अहमद भाई अभी जाने लगे हैं वॉच टावर पर, इस वॉच टावर पर हम चढ़ रहे हैं दूसरी बार, पहले उस टाइम चढ़े थे जब ये बिल्कुल कच्चा था और ब्रोकन स्टेयर्स थी फुल, अभी रिकन्स्ट्रक्ट करके इसको बना दिया हुआ है, तो बाद में चक्कर काफ़ी लगे हैं, जैसे कि उस पर लिखा हुआ था बोर्ड पे टावर पे चढ़ना मना है। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम लोग टावर पे नहीं चढ़ रहे थे, आज रश नहीं है, तो वैसे लोग चढ़ जाते थे
आज बिल्कुल भी रश नहीं है और कोई बंदा नहीं है। तो हम टावर पे आ गए हैं। अब यहाँ से आपको गोल गोल घूम के हम दिखाते हैं पार्क, गोल गोल घूम के। तो भाई टावर से नीचे आ गए हैं, ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं नदिया के पास, वो जो नदिया है वहाँ पे पुल के ऊपर कोई सेल्फी मेल्फी मारेंगे, पिक्स बनाएंगे, फिर हम वापसी की तरफ जाएंगे मेन गेट। तो यार नदिया के पास आया हूँ, यहाँ पे पानी झील सॉरी, तो यहाँ पे पानी बहुत प्यारे तरीके से मूव कर रहा है एयर की वजह से, या कह लो सन की वजह से, मद्दो जज़र जिसको बोलते हैं। तो थोड़ी सी स्लाइड मूवमेंट है, अभी उसको ट्राई करता हूँ या टाइम लैप्स में या फिर सिंपल मोड में उसको मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, वाटर मूवमेंट शो करवाने की। बीच में उसके दरमियान में आ रहा है शेडो ऑफ द सन, वो बहुत कमाल का लगेगा अगर बन गया तो। लेट्स ट्राई भाई। और भाई ये हम ख़तरनाक पुल पे जाते हुए, पुल गंदे तरीके से हिलते हुए, पुल के गिरने का खदशा हमारे आने से और बढ़ गया है क्योंकि हमारा वज़न बहुत ज़्यादा है। ओहो पूरा जंगल वाला सीन है यहाँ पे, ये दोस सियाल का जंगल भी है यहाँ पे इस साइड पे। तो अभी हम कोई किनारा तलाश करते हैं जहाँ पर हम बना सकें टाइम लैप्स। ये देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट हो रही है यहाँ पे पानी की, ये सनसेट जहाँ पे हो रहा है ये सामने, इसी साइड पे पानी मूव कर रहा है सारा। मे बी एयर हो सकती है लेकिन आई थिंक ज़्यादा रोल इसमें सन का है। तो सामने मुझे स्पॉट मिल गया, यहाँ पे मैं बनाऊँगा टाइम लैप्स। एंगल से हमने टाइम लैप्स बनाया और वाटर वेव्स सूरज की ही तरफ जा रही थी। तो अब हम जा रहे हैं वापस बॉयज की तरफ जो सेल्फीज बनाने में मसरूफ हैं, जाके थोड़ी सी सेल्फीज बना लेते हैं। ये सामने बॉयज सेल्फी बना रहे हैं, तो भाई वापसी का समय हुआ जाता है और अब हम जा रहे हैं वापस, टाइम लैप्स शुरू हो। Thank you.